आखिर बंगाल में रामनवमी के अवसर पर और बैसाखी के अवसर पर दंगे क्यों हुए, मैं बंगाल की सरकार से पूछना चाहता हूँ। और इन दंगाइयों के खिलाफ यहाँ की सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? बहन और भाइयों, अगर ये दंगाई उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से अत्याचार करते, अब तक मैं इनको लटका करके, उल्टा लटका करके ठीक कर देता और वह हाल इनके कर देते, इनकी सात पीढ़ियां भूल जाती कि दंगा कैसे होता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए उतरे। उन्होंने यहां पर बहरामपुर, बीरभूमि, आसनसोल सीट के मतदाताओं से कमल खिलाने की अपील की। योगी आदित्यनाथ ने एक तरफ जहां ममता दीदी के कार्यकाल में बंगाल की दुर्दशा का मुद्दा उठाया, तो कांग्रेस पर भी खूब बरसे। उन्होंने रामनवमी पर उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के आयोजनों का फर्क बताते हुए पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को धो दिया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि यदि यह दंगाई अगर उत्तर प्रदेश में अत्याचार करते तो उन्हें उल्टा लटकाकर ठीक कर देता, ऐसा हाल करता कि सात पीढ़ियां भूल जाती कि दंगा कैसे होता है। आसनसोल में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि बंगाल को भी यूपी जैसा मॉडल चाहिए, जैसे अयोध्या लगती है वैसे ही बंगाल को बनाना है। सीएम ने मतदाताओं से अपील की कि डरिए मत, मतदाता केंद्र तक जाइए और वोट दीजिए। आपने देखा होगा जब भाजपा आती है, जो काम कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस नहीं कर सकती वो काम भाजपा करती है। मैंने तो अभी आपको बताया ना कि ये दंगाई जितने हैं और संदेश खाली के जो अपराधी हैं, इनको तो ऊपर लटकाएंगे ही लटकाएंगे, लेकिन साथ साथ मैं आपको ये बता सकता हूं कि बहनों और भाइयों, आपको ये भी ध्यान रखना होगा, 500 वर्षों के बाद कोई कहता था कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, आज तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया ना। 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला ने होली भी खेली है और रामलला ने रामनवमी के दिन अपना पवित्र जन्मोत्सव भी बड़े धूमधाम के साथ मनाया है, बड़े धूमधाम के साथ मनाया है। आपने भी देखा होगा ना यहाँ के टेलीविजन में। बहनों और भाइयों, अगर 500 वर्षों के बाद मोदी जी के प्रयास से अयोध्या में ये सब संभव हो सकता है, तो बंगाल भी सोनार बांग्ला बनाने की तैयारी के साथ, कमल चुनाव चिन्ह के साथ जुड़ करके आगे बढ़ जाएं। बारामपुर में डॉक्टर निर्मल शाह को आप भारी बहुमत से विजयी बना करके भेजेंगे, सभी लोग भेजेंगे। खैर, इस पूरी वीडियो पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए चेतना मंच। बहुत बहुत धन्यवाद।